I welcome my dear students. Good morning to all of you. Today I am going to explain about your next chapter, which name is adverb. आज मैं आपको एडवर्ब के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. एडवर्ब किसे कहते हैं? An adverb is a word that modifies the meaning of a verb and adjective. किसी वर्ब या एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, उसको एडवर्ब कहते हैं. जैसे he come back early, तो इसमें early जो है क्या है? एडवर्ब का काम कर रहा है, यानी आने के लिए बोल रहा है. तो कब आ रहा है? तो early आ रहा है. तो वर्ब के बारे में बताता है. जैसे he eat slowly, वह खाता है तो कैसे खाता है? slowly. आपको पांच प्रकार के एडवर्ब के बारे में स्टडी करना है. एक माइनर, एक प्लेस, एक टाइम और एक फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री के बारे में. माइनर जो होता है जिसमें एल वाई अक्षर लगा रहता है, हमको बताता है किस ढंग से एक्टिविटीज किया जा रहा है. जैसे इसमें आएगा स्लोली, ब्रेवली, सिंपली, क्वाइटली, ये सब आता है. जैसे ही फाउट ब्रेवली, वह लड़ा बहादुर, तो एल वाई लगा रहता है अक्षर, उसमें हम समझेंगे माइनर होता है जो भर के बाद शुरू करता है. प्लेस जो होता है जो जगह के बारे में बताता है, जैसे हियर, देयर, अप, डाउन, यानी पोजीशन के बारे में बताता है. टाइम जो समय को दर्शाता है, जैसे ही विल गो टू पटना टुमारो, तो टुमारो यानी क्या है? टाइम जो एक भर का काम करता है. तो ये टुमारो, यस्टरडे, टुडे, लास्ट, ये सब क्या है? एडवर्ब. और फ्रीक्वेंसी जिसमें एक टाइम यानी छोटा टाइम रहता है, जैसे ऑफेन, प्रायः, सेल्जम, कभी कभार, नेवर, कभी नहीं, ऑलवेज, हमेशा, ये सब फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आता है. और एक होता है डिग्री, जो अवस्था के बारे में बताता है किस अवस्था में है. जैसे ही इज वेरी क्रूएल, वो क्रूएल है, वो किस अवस्था में है? तो बहुत क्रूएल. ही इज टू फाइट, वो अधिक एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वो इसमें आता है. कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब जैसे हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ते हैं, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, तो उसमें एडजेक्टिव के बारे में पढ़ना होता है. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. इसमें भी वही नियम अपनाना है, लेकिन ये एडवर्ब का काम करेगा. जैसे हार्ड है, हार्डर, हार्डेस्ट. इसमें कंपैरेटिव में हम जानते हैं कि ईआर लगता है, और डबल सिलेबल में मोर लगता है, सिंगल सिलेबल में ईएसटी सुपरलेटिव, और डबल सिलेबल में मोर लगता है. जैसे स्विफ्टली, ये स्विफ्ट और एलवाई लेकर ग्लब बना हुआ है, स्विफ्टली जो एडवर्ब का काम करता है. यदि इसको कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसमें ईआर नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर मोर और मोस्ट करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं. इसमें आपको एक और थोड़ा सा स्टडी करना है, जो एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है. जैसे ये अपने मूल अवस्था में रहता है, जैसे गुड, गुड का कंपैरेटिव बेटर, सुपरलेटिव बेस्ट, वेल बेटर, बेस्ट, मच मोर, मोस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, या लेटेस्ट, ये सब जो होता है एडवर्ब का भी काम करता है. जैसे ही राइट बेस्ट ऑफ, यहाँ पर बेस्ट किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है. एडजेक्टिव का काम नहीं करता. एडजेक्टिव का काम कब करता? जब इसके साथ कोई नाम लगा रहता, ही इज द बेस्ट बॉय, नहीं, बेस्ट के साथ बॉय लग गया. तो ये सब क्या है? एडवर्ब का भी काम करता है, जिसमें आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाया जाता है इसके बारे में पढ़ना है. जैसे क्लेवर एडजेक्टिव है तो उसको एडवर्ब कैसे बनाएंगे? एल वाई क्लेवरली कर देंगे. हैवी है तो हैवली करेंगे, यानी एल वाई जो होता है इसमें माइनर ढंग से यानी यूज करते हैं. आपको
एक एडवर्ब का सूटेबल प्लेस होना चाहिए, इसके बारे में भी जानना है कि कौन सा एडवर्ब किस रूप में होता है। बहुत सारा ऐसे एडवर्ब होते हैं जैसे वेरी हो गया, रेदर हो गया, टू हो गया, क्वाइट हो गया, ये सब क्या है, ये सब डिग्री है और ये हमेशा एक एडजेक्टिव के पहले आता है। जैसे राम इज रेदर लेजी बॉय, तो लेजी क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ नाउन लगा है तो ये क्या हो गया, एक एडवर्ब, यानी एडजेक्टिव के पहले इसका प्रयोग करते हैं। टाइम जो होता है लास्ट में भी आता है, जैसे ही विल गो टू पटना टुमारो, तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो वर्ब के तुरंत बाद आते हैं, जैसे ही ईट्स स्लोली, ईट्स के बाद आ गया, धीरे धीरे जो माइनर हो जाता है, ठीक है। एक होता है ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे ही ऑफन गोज देयर, तो वर्ब के पहले आता है, ही ऑलवेज गोज देयर, गोज के पहले आ गया तो ये फ्रीक्वेंसी होता है, इसका अपना फ्रीक्वेंसी होता है। तो ऑल डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सॉल्व अबाउट एक्सरसाइज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड योरसेल्फ एंड आई विल सेंड यू इट्स एक्सरसाइज माय नेक्स्ट पीडीएफ।